Assalamu alaikum. Dear students, my name is Sir Stephen Irshad and we'll continue with chapter number 3 jiska naam hai computer network. Aur chapter number 3 mein we are studying need of computer network jiska matlab hai ki hame computer network ki kyu zarurat hai. Jo basic purpose hai computer network ka wo ye hai कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाए और इसके साथ साथ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज भी हो. आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में फाइल शेयरिंग भी होती है और हार्डवेयर शेयरिंग भी होती है. इसका मतलब है फाइल्स को भी नेटवर्क के ज़रिए से आपस में शेयर किया जा सकता है और बिल्कुल उसी तरह से जो हार्डवेयर जैसे कि स्कैनर्स हैं जैसे कि प्रिंटर्स हैं उनकी भी आपस में शेयरिंग की जा सकती है. जब हम शेयरिंग करते हैं देन वील एबल टू ट्रांसफ़र द फाइल्स एज वेल एज द हार्डवेयर रिसोर्सेज कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस. तो आज हम जिस शेयरिंग की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन शेयरिंग. एप्लीकेशन शेयरिंग तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन का मतलब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर नेटवर्क में काम करते हुए हम एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल यूज़र्स में शेयर कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक बैंक है उसकी जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसे बैंक मैनेजर भी यूज़ कर रहा है. वो शख्स जो एटीएम पे जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन पे जाता है वो भी उसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है. जो कैशियर है वो भी उसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है. जो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ सेल वाले हैं जो वो लोगों से पैसे लेते हैं तो वो भी उसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए शेयरिंग कर रहे हैं. तो ऐसी शेयरिंग जिसमें एक एप्लीकेशन मल्टीपल लोगों में शेयर हो रही हो दैट टाइप ऑफ शेयरिंग इज कॉल्ड एप्लीकेशन शेयरिंग. इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि मल्टीपल पीपल कैन एक्सेस सेम एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली. अब स्टूडेंट एप्लीकेशन शेयरिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो शेयरिंग डिस्कस है दैट इज शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन. ये सबसे पॉपुलर शेयरिंग है जो आजकल के दौर में हो रही है. एक ही इंटरनेट डिवाइस है जैसे कि वाईफाई बेस्ड सिस्टम. अगर आप वाईफाई बेस्ड सिस्टम को देखें तो एक ही इंटरनेट प्रोवाइडिंग डिवाइस लगा हुआ है जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो एट वंस शेयर कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो शेयरिंग आ रही है दैट इज़ द यूज़र कम्युनिकेशन. अब नेटवर्किंग के ज़रिए से यूज़र्स जो हैं आपस में बड़ी आसानी से कम्युनिकेट कर रहे हैं. आज हम देखते हैं कि नेटवर्क अलाउ करते हैं कि यूज़र बाय यूजिंग ईमेल बाय यूजिंग न्यूज़ ग्रुप्स बाय यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज जो है वो यूज़र कम्युनिकेट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि लोग जो हैं जहां मर्जी बैठे हों लेकिन जब इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब स्टूडेंट नेटवर्किंग का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा हमें रिसीव हो रहा है और वो ये फ़ायदा है कि इसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है. मिसाल के तौर पर आप अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप जितनी भी अपलोडिंग कर रहे हैं जितनी भी डाउनलोडिंग कर रहे हैं उसमें फेसबुक जो सर्वर है उनकी हार्ड डिस्क इस्तेमाल हो रही है. इसका मतलब है अब एट वंस ना सिर्फ आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि वेब सर्वर की भी हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं. सो कंक्लूजन ये निकलती है कि हम बहुत दूर होते हुए भी रिमोट कंप्यूटर की स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं. तो स्टूडेंट इन तमाम बातों से हम ये कंक्लूड करते हैं कि आज के दौर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही है.